Good morning class. This is our next clinical patho class in which today we will study about the semen analysis. Actually what happens, problems with male semen account for 40% of all infertility and about 40% lead to female reproductive and hormone problems. The remaining 20% is related to problems with both the partners. So, semen analysis is the cornerstone of testing for male infertility. This test provides important information about the quality and quantity of the sperm. A properly performed semen analysis provides the physician with clinically relevant data which gives an indication to the cause for male infertility. भाई जैसे जो इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं उसमें से 40% मेल सीमन रिस्पॉन्सिबल है, 40% फीमेल की प्रॉब्लम्स और 20% मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इनफर्टिलिटी के लिए. सीमन एनालिसिस हमारे को मेल इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है. तो हम आज जो पढ़ रहे हैं सीमन एनालिसिस पढ़ रहे हैं. तो सीमन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मेन में प्रोड्यूस होने वाला सीमन का अमाउंट हम मेजर्स करते हैं और उस सीमन सैंपल में जो स्पर्म है उस स्पर्म के नंबर को, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं. सीमन एनालिसिस यूजुअली एक फर्स्ट टेस्ट है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए मेन में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डिटरमाइन कर सकते हैं. सीमन या स्पर्म में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ऐसी प्रॉब्लम 1/3 कपल्स के अंदर पाई जा रही होती है जो कि चिल्ड्रन के लिए अनेबल टू हैव चिल्ड्रन, मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसको अपन इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी उन कपल्स को हम इनफर्टाइल बोलते हैं. अब सीमन एनालिसिस मेनली कैरिड आउट किया जाता है इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है अ मैन हैव रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम दैट इज़ कॉजिंग इनफर्टिलिटी. कोई मैन जिसमें रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से उसमें इनफर्टिलिटी है, तो वो अगर हमें डिटरमाइन करना है तो सीमन एनालिसिस से आप कर सकते हो. वैसेक्टॉमी करनी है या वैसेक्टॉमी का रिवर्सल है तो वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं है, वो भी हम इसी से पता कर सकते हैं. कोई सिंगुलर टेस्ट है फर्टिलिटी के लिए मेल में, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है, स्पर्म प्रोडक्शन की, पेटेंसी ऑफ मेल डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, मेल डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एसेसरी ग्लैंड्स में उनकी फंक्शनिंग सही चल रही है क्या, इजैक्युलेटिव फंक्शन सही है या नहीं है, या फिर हमें प्री या पोस्ट ऑपरेटिव सीमन एनालिसिस करना है, इज़ डन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मेडिकल एंड सर्जिकल थेरेपीज फॉर इनफर्टिलिटी. थर्ड टू और नेक्स्ट टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डोनर फॉर थेरापेटिक इंसेमिनेशन, स्क्रीनिंग फॉर एक्सपोजर टू रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स एंड टू सेट एक्सपोजर लिमिट फॉर दीज टॉक्सिन्स, टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वैसेक्टॉमी जो हम पढ़ चुके हैं, एंड इन सम सस्पेक्टेड केसेज ऑफ रेप, डिनाइल ऑफ पैटर्निटी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनफर्टिलिटी एटसेट्रा. तो कौन कौन सी क्लिनिकल एप्लीकेशन है सीमन एनालिसिस की, कि हम इससे इनफर्टिलिटी का पता लगा सकते हैं. इनफर्टिलिटी के लिए जो भी मेडिकल या सर्जिकल थेरेपीज, प्री पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपीज के लिए जो प्री पोस्ट ऑपरेटिव सीमन एनालिसिस है वो किया जाता है ताकि थेरेपीज को हम इवेलुएट कर सकें. हमें अगर थेरापेटिक इंसेमिनेशन करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट डोनर चाहिए तो उसका भी हमारे को पहले सीमन एनालिसिस करना होता है. कोई रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स अगर एक्सपोजर हो रहा है तो उसको पता लगाने के लिए, उस टॉक्सिन्स की लिमिट का पता लगाने के लिए भी हम सीमन एनालिसिस करते हैं. वैसेक्टॉमी के इफेक्टिवनेस जानने के लिए, कुछ सस्पेक्टेड केसेस जैसे रेप के केसेस या पैटर्निटी का जो डिनाय कर रहे होते हैं वो केसेस, उनका भी हम इसी के थ्रू पता लगा रहे होते हैं. इसलिए सन सीमन सैंपल्स मे वेरी फ्रॉम डे टू डे, भाई डे टू डे ये वेरी कर रहा है. 2 से 3 सैंपल्स हमारे को कम से कम इवेलुएट करने होते हैं 3 से 6 महीने के अंदर अगर हम एक्यूरेट टेस्टिंग करना चाहते हैं. सीमन एनालिसिस हम करते हैं वैसेक्टॉमी की इफ़ेक्टिवनेस के लिए, तो वो हम 6 हफ्ते में करते हैं वैसेक्टॉमी के बाद. वैसेक्टॉमी करने के बाद 6 हफ्ते के बाद सीमन एनालिसिस किया जाता है ताकि हमें पता चल सके वैसेक्टॉमी सक्सेसफुल रही या नहीं रही. अब इसके लिए हम सीमन कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो सीमन कलेक्शन के कई मेथड्स हैं, जैसे मास्टरबेशन,
जिसमें डायरेक्ट सीमेन जो है क्लीन सैंपल कप के अंदर लिया जाता है, किसी तरह का लुब्रिकेंट उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो स्पर्म्स को किल कर देता है। इसलिए लुब्रिकेंट को यूज़ किए बिना मास्टरबेशन के थ्रू सीमेन आप सैंपल कप में कलेक्ट करिए, या फिर कोइटस इंटरप्ट्स के पेनिस को विड्रॉ किया जाता है पार्टनर से जस्ट इजैक्यूलेशन से पहले, ताकि क्लीन सैंपल को कप में डाला जा सके, इजैक्यूलेट किया जा सके, या फिर कोइटस के अंदर कॉन्डोम का यूज़ करते हुए जो है आप सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। पर बस वही आपको ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर उस कॉन्डोम में कोई स्पर्मिसाइड जैसी कोई ल्यूब्रिकेंट नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। और असिस्टेड इजैक्यूलेशन, जिसमें इलेक्ट्रो इजैक्यूलेशन किया जाता है कुछ चीज़ों से। अब सीमेन एनालिसिस में, जब आपने सीमेन अच्छे से कलेक्ट कर लिया है तो आपको नोट डाउन करना है कि आपने पेशेंट से वो कब रिसीव किया था। इसके बाद आपको तुरंत जो है वो सैंपल लेबोरेटरी में भेज देना है 30 मिनट के अंदर अंदर या 30 मिनट से एक घंटे के अंदर अंदर। और आपको कम से कम दो सीमेन सैंपल लेने हैं 2 से 3 हफ्ते के अंतराल पे, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े सीमेन को स्टोर करने की, तो पहला तो इसको रेफ्रिजरेट हमें नहीं करना चाहिए, हमें इवैल्यूएशन विद इन 1 आवर ही करना है इसका, आफ्टर लिक्विफैक्टर इज़ कम्प्लीट। इस समय सीमेन को आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, लिक्विफैक्शन चेक करने के लिए आपको रूम टेम्परेचर पर 20 से 30 डिग्री पर रखना है। अब देखिए, द सैंपल हैज़ टू बी लिक्विफाइड फॉर 20 to 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड बाई प्लेसिंग द सैंपल इन हीटिंग ब्लॉक। आप हीटिंग ब्लॉक में 37 डिग्री पर 20 से 30 मिनट के लिए सैंपल को रख दीजिए तो लिक्विफाई हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए और आपका सैंपल स्टेशनरी रहे लॉन्ग टाइम तक, इसका ध्यान आप रखेंगे। 20 से 30 मिनट के लिक्विफैक्शन के बाद सैंपल को होमोजीनियसली आप मिक्स करिए ट्रांसफ़र पाइपेट के द्वारा। फिर आप सैंपल के अंदर वॉल्यूम, विस्कोसिटी, पीएच, ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, जब वो पेशेंट, आपने पेशेंट सैंपल लिया तो उस पेशेंट का नाम, डेट, टाइम, ये सब चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। अब रूटीन एग्जामिनेशन में आप सीमेन में क्या क्या करते हैं, तो वही वो 3 एग्जामिनेशन जो मैं हर बार आपको बोलती हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आपको करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको कलर, अपीयरेंस, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, लिक्विफैक्शन टाइम देखना है। केमिकल के अंदर आप पीएच को डिटरमाइन करेंगे और सीमेन फ्रक्टोज को क्वांटिफाई करेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीमेन में, जिसमें हम उसकी मोटिलिटी चेक करते हैं, स्पर्म काउंट करते हैं, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे को चेक करनी है। इसके अलावा एग्लूटिनेशन चेक करते हैं, कुछ अदर फाइंडिंग्स भी हैं, स्पर्म फंक्शनल टेस्ट भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे को देखनी है। तो सबसे पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है। उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो सीमेन एनालिसिस है गुड और रिलायबल रिजल्ट दे, इसके लिए सीमेन कलेक्शन को मास्टरबेशन से लेना ज़्यादा सही रहता है। और एब्सटिनेंस डेज जो है 2 से 5 दिन का एब्सटिनेंस डेज उसके बीच में होना चाहिए। यूरिन पास हुआ हुआ हो, हैंड को सोप और ड्राई सोप से वॉश करके ड्राई करना है। एंटायर सैंपल को आप वाइड माउथड स्टाइल कंटेनर, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, फोटो में दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। 70% स्पर्म्स जो हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द इजैक्यूलेट में ही आ जाते हैं। सैंपल को नॉर्मल टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर पर ही रखना है, सनलाइट से एक्सपोजर नहीं करना है, और एक घंटे के अंदर अंदर आपको लैब में दे देना है। ये WHO ने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, जैसे कि सीमेन वॉल्यूम जो है वो 1.5 या आप कह दीजिए 2 से 5 ml पर इजैक्यूलेशन होना चाहिए, 1.5 स्टैंडर्ड है। स्पर्म काउंट जो है वो 10^6 पर ml होना चाहिए। टोटल स्पर्म नंबर 39 10^6 पर इजैक्यूलेट होना चाहिए। मोटिलिटी 32, टोटल मोटिलिटी 40, वाइटलिटी 58, स्पर्म मॉर्फोलॉजी वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे ओलिगोस्पर्म या स्पर्म काउंट का कम हो जाना, 15 मिलियन पर ml से अगर कम हो जाए तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एजेंथोजूस्पर्मिया, खैर ये टर्म भी अभी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी जहाँ जहाँ ये आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी ये सब क्या है।
अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमारे को करना है, जिसके अंदर सबसे पहले हम कलर अपीयरेंस देखेंगे। नॉर्मल सीमन जो होता है ग्रे, वाइट, विसिड और ओपेक होता है। अब इसका अगर कलर ऑल्टर्ड हो जाता है तो वो या तो येलोइश कलर दिखाई देगा या रस्ट कलर दिखाई देगा। येलोइश कलर पायोस्पर्मिया को इंडिकेट करता है, यूरिन की वजह से भी हो सकता है, जॉन्डिस की वजह से हो सकता है, पायोस्पर्मिया की वजह से, ये जो एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। दूसरा रस्ट यानी ब्लड टिंग्ड कलर, जिसमें पिंक, रेडिश या ब्राउन कलर दिखाई देगा, जो सेमाइनल वेसिकल में माइनर ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है, यानी इसमें RBC मौजूद है। दूसरा हम देखिए, इसमें दिया हुआ है लिक्विफैक्शन टाइम। दूसरा तो नॉर्मली जब सैंपल सीमेन का सैंपल है उसको 60 मिनट से भी 1 घंटे से भी कम समय लगता है लिक्विफाई होने में। अगर वो 1 घंटे के अंदर अंदर लिक्विफाई नहीं हो पा रहा तो वो ये इंडिकेट करता है कि इसमें इनएडिक्वेट प्रोस्टैटिक सीक्रीशन है। नोट करना है ऐसे में कि लिक्विफाई अगर फेलियर हो गया है तो उसमें हमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डालना पड़ता है, प्लाज्मिन या काइमोट्रिप्सिन, ताकि उसका लिक्विफैक्शन हो सके और हम आगे का प्रोसेसिंग कर सकें। तो ये लंपे अगर 60 मिनट से कम हो रहा है तो इसमें दिया हुआ है कि स्पम्स में बी ट्रैप्ड इन अनलिक्विफाइड जेली में बी साइन टू प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन और लैक ऑफ प्रोस्टेटिक प्रोटीएज, या तो कोई प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हुआ है जिससे कि प्रोस्टेट प्रोटीएज कम हो गया है। तीसरी चीज़ हमारे को देखनी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है भाई? स्पेसिमन भाई विस्कोसिटी नॉर्मल होती है, स्मूथ वाटरी ये जनरल सॉल्यूशन होता है। इसमें आप कैसे देखेंगे कि आपको स्पेसिमन को पास्टे पाइपेट में लेकर के उसको एक्सपेल करना है। तो नॉर्मल विस्कोसिटी जब होती है इसकी तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर होगा, और अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो सर्वाइकल म्यूकस में पुअर इन्वेजन की वजह से ऐसा होता है। पोस्ट कोइटल स्टडी में ऐसा देखने को मिलता है। एबनॉर्मलिटी में थिक आपको दिखाई दे सकता है लॉन्ग थ्रेड के रूप में। मतलब मैंने बोला ना भाई, नॉर्मल तो ड्रॉप बाई ड्रॉप अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल है, पर अगर लॉन्ग थ्रेड के रूप में वो एक्सपेल हो रहा है उस पाइपेट से, पास्चर पाइपेट से, तो इसका मतलब वो एबनॉर्मलिटी है। ये हाई विस्कोसिटी को इंडिकेट करता है और इसमें स्पम का मूवमेंट नहीं हो पाता है ऐसे सैंपल के अंदर। विस्कोसिटी के बाद हम वॉल्यूम देख रहे हैं। वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि 2 to 5 ml पर इजैक्यूलेशन होता है, 1.5 ml इसमें स्टैंडर्ड है। अब अगर ये वॉल्यूम कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम हो गया तो अभी टर्म आई थी ओलिगोस्पर्मिया, ज़्यादा हो गया हाइपरस्पर्मिया, बहुत कम या नो सीमेन प्रोड्यूस हो रहा तो एस्पर्मिया कंडीशन कहलाती है। तो लो वॉल्यूम मतलब 1 ml से कम है, ये रिफ्लेक्ट करता है प्रॉब्लम को कि सेमाइनल वेसिकल में कोई प्रॉब्लम आई होगी या प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम आई होगी, कि वो ब्लॉक हो गया होगा या रिट्रोग्रेड इजैक्युलेशन हो रहा होगा, इन्फेक्शन हुआ होगा, या हो सकता है एंड्रोजन की कमी हो गई हो तो उससे वॉल्यूम लो हो सकता है, या वासा डिफरेंस जो है इजैक्युलेटरी डक्ट है उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया होगा, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई होगी। लो सीमेन वॉल्यूम जब होता है तो वो वेजनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, इस वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। अब हाई सीमेन वॉल्यूम मतलब 5.5 ml से ज़्यादा हो जाए अगर सीमेन, तो उसको अपन हाइपरस्पर्मिया कहते हैं, और अगर सीमेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उस कंडीशन को अपन एस्पर्मिया कहते हैं। हाई सीमेन वॉल्यूम स्पम्स को डाइल्यूट कर देता है, एक्टिव इन्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है। ख़त्म आपका वॉल्यूम का टॉपिक भी। अब इसके बाद अपन केमिकल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे को पीएच डिटरमाइन करनी है। पीएच 7.2 से 7.8 तक हो सकती है, इसको हम पीएच पेपर स्ट्रिप का यूज़ करके हम नोट कर सकते हैं। अब ये पीएच अल्टर होने के क्या कारण हो सकते हैं? पीएच 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी, 8 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर पीएच 7 से कम है तो लो वॉल्यूम में ऐसा हो सकता है, सैंपल की डेंसिटी को वो इंडिकेट करता है, कंजेनाइटल बाइलेटरल एब्सेंस अगर वासा डिफरेंस की है तो भी एसिडिक हो सकता है सीमेन, जिसमें सेमिनल वेसिकल पुअरली डेवलप हुई हो या इजेक्युलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम आ गई हो, सेमिनल वेसिकल एब्सेंस ही हो कंजेनाइटली, कि वे जन्म के साथ सेमिनल वेसिकल था ही नहीं, इस तरह के स्पेसिमेन में प्रोस्टेटिक सीक्रीशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी एसिडिक पीएच होती है। अब अगर पीएच 8 से ज़्यादा आ गई है
दिखाई दे रही है आपको, तो नेचुरल बफरिंग कैपेसिटी जो है सीमेन की डिक्रीज हो जाती है, इसलिए पीएच हाई हो जाती है। वैसे तो हालांकि इसका कोई खास क्लिनिकल यूज़ नहीं है, पर फिर भी ये एक्यूट इन्फेक्शन को दर्शाता है प्रोस्टेट के, मतलब एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस को, या सेमिनल वेसिकल में इन्फेक्शन हो गया, एपिडिडाइमस में इन्फेक्शन हो गया होगा। तो ये पीएच एनालिसिस है सीएमएन का। लिक्विफैक्शन टाइम भाई देख लीजिए, जो मैंने प्रोसीजर बताया था वो इसके अंदर दे रखा है कि लिक्विफैक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है जेल पोर्शन सेमिनल प्लाज्मा का एंजाइम्स के थ्रू जो प्रोस्टेट फ्लूइड में होता है। सीमेन नॉर्मली इजैक्युलेट कोगुलम के फॉर्म में होता है और वो 20 मिनट बाद ही जो है वो लिक्विफाई हो जाता है इजैक्युलेशन के बाद, अगर 37 डिग्री पर आप उसको रखते हो। अगर वो लिक्विफाई नहीं हुआ है, ऐसा बहुत रेयरली होता है, पर वो प्रोस्टेट डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है। ऐसे में स्पेसिमेन को एस्पायरेट करो प्लास्टिक पास्चर पाइपेट में और उसको ऑब्जर्व करिए कि वो वाटरी आ रहा है या होमोजिनस वाटरी मिक्सचर है या हेटरोजिनस मिक्सचर है। वाटरी है तो लिक्विफैक्शन कंप्लीट होगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। नॉर्मल लिक्विफाइड सीमेन सैंपल जो है उसमें जेली लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको अपन जिलेटिनस बॉडी कहते हैं, वो लिक्विफाई नहीं होने देते अगर इसका लिक्विफैक्शन कम हो गया। 2 घंटे के बाद स्पेसिमेन अगर लिक्विफाई नहीं हुआ तो इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हमारे को डालना पड़ेगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर विस्कोसिटी वाला मैंने आपको बता दिया, पाश्चर पाइपेट में लीजिए और उसको डालना स्टार्ट करिए, और ड्रॉप बाय ड्रॉप है तब तो नॉर्मल है उसकी विस्कोसिटी, और अगर थ्रेड बन रहा है तो थ्रेड की लेंथ को नोट करिए आप, 2 सेंटीमीटर तक बन रहा है या 2 सेंटीमीटर से भी लंबा बन रहा है, कोई ड्रॉप नहीं आ रही है, कंटिन्यूस फिलामेंट है, ये सब देखना है। ये पाश्चर पाइपेट से गिरता हुआ आपको ये दिखाया गया, ये पाश्चर पाइपेट है और ये इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। कलर तो हमने खैर देख ही लिया है। नॉर्मल लो स्पर्म काउंट जो होता है, नॉर्मल तो ग्रे ओपलेसेंट है, अगर स्पर्म काउंट लो है तो लेस ओपेक दिखाई देगा, आरबीसी है, रेड ब्राउन या पिंकिश दिखाई देगा, ड्रग्स या विटामिंस लिए तो येलो कलर का हो सकता है। अब इसके बाद इसमें नहीं दिया, हो सकता आगे कहीं होगा, पर उससे पहले आप एक सीमेन फ्रक्टोज का क्वांटाइजेशन देख लीजिए केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर। इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि फ्रक्टोज जो है वो रिसोर्सिनॉल से रिएक्ट करता है। फ्रक्टोज नॉर्मल सीमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको, आप लोगों ने ये वाला टॉपिक तो खैर अपने एनाफिजियो के अंदर पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो ऐसा मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि सीमेन के अंदर आपने पढ़ा है कि सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट ये होता है कि वो एल्कलाइन बनाता है, विस्कस कोगुलम बनाता है, और इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फ्रक्टोज होता है। तो नॉर्मल सीमेन के अंदर फ्रक्टोज होता है, तो हमें फ्रक्टोज को भी क्वांटिफाई करना होता है, उसके लिए टेस्ट लगाना होता है। कैसे टेस्ट लगाएंगे कि नॉर्मल फ्रक्टोज जो है वो रिसोर्सिनॉल से अगर रिएक्ट करता है एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि फ्रक्टोज उस सैंपल में है या नहीं है। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हमारे को स्पर्म काउंट सबसे पहले अपन कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव्स में 20x के नीचे देखना है आपको, एक ड्रॉप सैंपल की रखनी है माइक्रोस्कोप के नीचे रखनी है। छोड़िए, पहले उससे पहले ये बात सुन लीजिए कि सबसे पहले आप स्पर्म जो स्पेसिमेन है वो लिक्विफाई स्पेसिमेन आपको लेना है 0.5 तक WBC पाइपेट में आप उसको ले लीजिए, 11 मार्किंग तक आप लीजिए उसको, अच्छे से मिक्स कर लीजिए डाइल्यूटिंग फ्लूड के साथ में। डाइल्यूटिंग फ्लूड में सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट फॉर्मेलिन डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये चीज़ अपन मैं आपको जहाँ ब्लड पढ़ाऊंगी वहाँ भी ये दोबारा बताऊंगी, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से कि WBC की पाइपेट के साथ WBC के नोबॉर्स चैम्बर के अंदर अपन काउंटिंग करते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें मैक्लर चैम्बर बताया हुआ है, वरना जनरली अपन नोबॉर्स चैम्बर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। नोबॉर्स चैम्बर में आपने लिया डाइल्यूटिंग फ्लूड सीमेन के अंदर मिलाया और फिर अपन उस नोबॉर्स चैम्बर को चार्ज करेंगे। चार्ज करने का मतलब होता है सैंपल उसके ऊपर डालेंगे और 5 मिनट तक उसको सेटल डाउन होने देंगे, और फिर जो लार्ज कॉर्नर के 4 लार्ज कॉर्नर के जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर अपन स्पर्म को काउंट करेंगे। स्पर्म काउंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्पर्म काउंट 4 स्क्वायर्स में करेंगे अपॉन एरिया इनटू डेप्थ इनटू डाइल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला है।
नॉर्मल काउंट कितना होता है? 40 से 300 मिलियंस पर ml स्पर्म काउंट होता है, 40 टू 300 मिलियंस पर ml। अगर स्पर्म काउंट बिलो 20 मिलियन पर ml आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन ओलिगोज़ूस्पर्मिया कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ओलिगोज़ूस्पर्मिया। और अगर स्पर्म एब्सेंट हैं, एब्सेंट तो खैर नहीं होते, बहुत कम अगर हैं, तो उस कंडीशन को अपन एज़ूस्पर्मिया कहते हैं। ये वही टर्मिनोलॉजी जो स्टार्टिंग में एक स्लाइड के अंदर थी और मैंने कहा था आगे जहाँ जहाँ आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो 20 मिलियन पर एमएल से कम स्पर्म काउंट है तो ओलिगोज़ूस्पर्मिया, और अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो उस कंडीशन को अपन एज़ूस्पर्मिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि लो स्पर्म काउंट क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या एंडोक्राइनोपैथी की वजह से। इन्फेक्शन में मम्स और काइटिस किसी को हो जाए, प्रोस्टेटाइटिस किसी को हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो जाता है, इफरेंट आर्ट डक्ट जो है उसमें ऑक्लूजन आ जाए, या हो सकता है वो डक्ट ना हो। एंडोक्राइनोपैथी में हाइपो पिट्यूटरीज़म, हाइपोगोनाडिज़म, हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज़म या एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स की वजह से भी स्पर्म काउंट लो हो सकता है। दूसरा, हमारे को अब स्पर्म की मोटिलिटी देखनी है। देखिए अब स्पर्म की अपन मोटिलिटी देखें तो उससे पहले आप ये चीज़ सुन लीजिए कि अपन को मोटिलिटी कैसे देखनी है। कि एक ड्रॉप आप लिक्विफाइड सैंपल की ग्लास स्लाइड के ऊपर रखिए और उसके ऊपर कवर स्लिप रख दीजिए, एग्जामिन करिए हाई पावर ऑब्जेक्टिव के अंदर रिड्यूस्ड इल्यूमिनेशन के साथ में, तो आप मोटिलिटी और स्पर्मेटोजोआ की वेलोसिटी को चेक करेंगे, पर वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर से, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जब हम काउंटिंग करेंगे, एटलीस्ट 200 स्पर्म्स आपको काउंट करने हैं, तो उसके बाद अपन ग्रेड देते हैं उस मोटिलिटी की, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, या ए बी सी डी ग्रेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कि फास्ट प्रोग्रेसिव अगर उसकी मोटिलिटी है तो ग्रेड ए, स्लो प्रोग्रेसिव है ग्रेड बी, नॉन प्रोग्रेसिव है ग्रेड सी, या इमोटाइल है तो ग्रेड डी अपन उसे देते हैं। यह जो मैंने ग्रेड 0 बोला वो नो मोटिलिटी को इंडिकेट करता है, ग्रेड 1 में फॉरवर्ड प्रोग्रेशन नहीं हो रहा, माइल्ड लेटरल मूवमेंट हो रहा है, ग्रेड 2 में स्लो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन विद सब्सटेंशियल यॉ, थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा सा आगे जाकर के वो मुड़ जाएगा, ग्रेड 3 में स्लाइटली फास्टर फॉरवर्ड प्रोग्रेशन विद लिटिल यॉ, ज़्यादा आगे तक गया, थोड़ा सा आगे जाकर के मुड़ गया, और ग्रेड 4th में स्पर्मेटो जो है रैपिडली मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और बहुत कम यॉ हो रहा है, या यॉ हो ही नहीं रहा, लेटरल मूवमेंट हो ही नहीं रहा। इसके बाद एक्सप्रेस करना है हमारे को स्पर्म के नंबर की परसेंटेज फॉर्म में इस ग्रेड के अकॉर्डिंग। एक घंटे के बाद अपन बताएंगे कि ये हमारे को दिखाई दिया कि जैसे मोर देन 25% ऑफ स्पर्म्स बिलोंगिंग टू ग्रेड 4 एंड और 3, लेस देन 50% स्पर्म्स बिलोंगिंग टू ग्रेड 2, 3 और 4, इस तरह से हमारे को रिजल्ट जो है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है खैर वो आपको लिख करके देना है। अब अगर आपको स्पर्म की मोटिलिटी कम मिलती है तो इस कंडीशन को हम एजेंथोज़ूस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी भाई देखो वैसे तो रैपिड भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, पर रैपिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, पर अगर वो स्लो है तो डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एजेंथो या एस्थिनोज़ूस्पर्मिया। अब ऐसा क्यों होता है, एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से, एबनॉर्मल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स इन द एपिडिडाइमस, एबनॉर्मेलिटीज इन द ट्रांसपोर्टेशन और वेरिकोसील, ये सारे इसके एस्थिनोज़ूस्पर्मिया के कारण है। एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, एबनॉर्मल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स इन द एपिडिडाइमस, एबनॉर्मेलिटीज इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरिकोसील। नाउ नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम और क्या कर सकते हैं, एग्लूटिनेशन, एग्रीगेशन, इसमें हमारे को क्या करना है, मोटिलिटी वगैरह क्लासिफिकेशन, एग्लूटिनेशन वगैरह से हम कर रहे होते हैं। एग्लूटिनेशन वैसे आपको बता दूं क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ स्टिक टू ईच अदर इन वेरियस ओरिएंटेशन। भाई अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी मौजूद होती है तो जो मोटाइल स्पर्मेटोजोआ हैं
वो एक दूसरे से अलग अलग ओरिएंटेशन में चिपक जाएंगे, जैसे हेड टू हेड, टेल टू टेल, मिड पीस टू मिड पीस, इस ओरिएंटेशन में वो चिपक जाते हैं। डिपेंड कर रहा होता है स्पर्म एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी के ऊपर। तो ये हमारे को देखना है, ये एग्लूटिनेशन है, ठीक है। और यहाँ इसके रिजल्ट दिए हुए हैं कि कैसे अपन उसको नोट डाउन करेंगे। ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री ही हमारे को इसके अंदर देनी है। ये दिखाया गया है, हेड टू हेड होता है तो कैसे चिपकते हैं, टेल टू टेल में कैसे चिपक रहे हैं, देखिए कितना अच्छा सा ये दिखाया ना, टेल टू टेल, ये नीचे से पूंछ है सबकी बंद गई, ये टेल टू टेल है। टेल और टिप भी इस तरह से जुड़ रहे होते हैं, मिक्स के अंदर सभी तरह की, आधे सर चिपक गए, आधी इनकी पूंछ चिपक गई हैं, टेंगल, ये सारी इसमें बताई गई है। एंटीबॉडी प्रेजेंस में ऐसा होता है। एजोजूस्पर्मिया के बारे में बताया, अगर आपको स्पर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वो एजोस्पर्मिया कंडीशन कहला रही होती है। अब अपन को नेक्स्ट देना है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। देखिए मॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे भाई अपन, लिक्विफैक्शन करने के बाद आप थिन स्मियर सीमेन का ग्लास स्लाइड के ऊपर बनाइए, एक ड्रॉप डाल करके स्मियर को सूखने दीजिए, एयर ड्राई करिए और हीट फिक्स्ड करिए जेंटली। इसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे आप उसको एग्जामिन करिए, स्टेन कर सकते हैं, लिशमान स्टेन से अपन स्टेनिंग कर सकते हैं, फुशिन से कर सकते हैं स्टेनिंग। नॉर्मल स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी दिखाई देगी, हेड 4 माइक्रोन लेंथ का, 3 माइक्रोन का डायामीटर, और एक कैप होती है जिसको अपन एक्रोसोमल कैप कहते हैं, हेड कैप कहते हैं। ये ब्लू कलर का स्टेन लेती है और इसका न्यूक्लियस जो है वो डार्क ब्लू कलर का स्टेन लेता है। मिडल पीस जिसको हम बॉडी कहते हैं, जिसकी लेंथ 7 माइक्रोन है, डायमीटर 1 माइक्रोन है। फिर इसका नेक रीजन होता है जिसकी 0.3 माइक्रोन उसका साइज होता है, जो हेड और मिडल पीस के बीच में होती है। और लास्ट टेल जो 45 से 50 माइक्रोन लेंथ की होती है, रेड और पिंक कलर की होती है। अब एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्म्स, मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मेलिटीज जो है हमारे को हेड में, मिडल पीस में या टेल में दिखाई दे सकती है। देखिए ये हेड के डिफेक्ट देखिए भाई, बड़े अच्छे से सारे हेड के भी, नेक के भी, टेल के भी सारे डिफेक्ट बड़े बढ़िया से दिखाए हुए हैं, इनको देख सकते हैं आप। देखिए हेड की एबनॉर्मलिटी में हो सकता है टू लार्ज दिख रहा हो जिसको अपन माइक्रोसिफैली कहते हैं, टू स्मॉल हेड दिख सकता है जिसको अपन माइक्रोसिफैली कहते हैं, डबल हेड्स दिख सकते हैं, पॉइंटेड हेड्स दिख सकते हैं, रेक्ड हेड्स दिख सकते हैं, क्रोमेटिन में वैक्यूल दिखाई दे सकता है, ये हेड की प्रॉब्लम है। स्पर्म में एक्रोसोमल कैप में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो लेस देन 1/3 अगर हेड का कवर कर रही है तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल सीमेन सैंपल में स्पर्म के हेड डिफेक्ट जो है वो 35% से भी कम देखने को मिलते हैं, अगर पैथोलॉजिकल कोई कंडीशन है तो हेड डिफेक्ट 60% से भी ज़्यादा केसेस में देखने को मिलेंगे। अब दूसरा नेक और मिडल पीस की एबनॉर्मलिटी देखिए, इंक्लूड्स एब्सेंट बाई, हो सकता है किसी मिडल पीस हो ही नहीं या बीच में से कटा हुआ बाइफर्केटेड हो, स्वॉलन फूला हुआ मिडल पीस हो। नॉर्मल सीमेन सैंपल स्पर्म में मिड पीस डिफेक्ट जो है वो 20% या उससे भी कम दिखाई दे रहा होता है, पैथोलॉजिकल में 25% से भी ज़्यादा मिडल पीस डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरा है टेल की डिफेक्ट्स, टेल की एबनॉर्मलिटीज जिसमें डबल, ट्रिपल या क्वाड्रिपल टेल्स दिखाई दे सकती है, रूडिमेंट्री दिखाई दे सकती है या हो सकता है टेल उसमें एब्सेंट हो। टेल जो है लेस देन 45 माइक्रोन के लेंथ में होती है तो वो एबनॉर्मल कहलाती है, तो बहुत छोटी है तो वो भी सही नहीं है। साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स अगर टेल के साथ में दिखाई दे रहे हैं तो वो इमैच्योर स्पर्म को इंडिकेट करते हैं। नॉर्मल सीमेन सैंपल में सैंपल के टेल पीस के डिफेक्ट जो है 20% से भी कम होते हैं और पैथोलॉजिकल कंडीशन में 25% से भी ज़्यादा होते हैं। एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ में हो सकता है कि नॉर्मली मल्टीपल डिफेक्ट्स दिखाई दे, जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम हो, खाली हेड की या खाली टेल की, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मोर देन 70% ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी, अगर 70% से भी ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है तो इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। अब एक टर्म आती है टेराटोजूस्पर्मिक इंडेक्स, जिसमें हम डिफेक्ट का पर स्पर्मेटोजोआ के डिफेक्ट का एवरेज नंबर निकालते हैं। दूसरी है क्रगर मॉर्फोलॉजी या क्रूगर मॉर्फोलॉजी आप उसको कह सकते हैं,
जिसमें हम स्लाइड्स स्पेशली स्टेन स्लाइड लेते हैं स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए। तो ये वो सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बोल के बताया कि आपको हेड डिफेक्ट देखना है। तो कौन कौन से हेड डिफेक्ट जो मैंने बोल के बताया वो इसमें लिखे हुए हैं। नेक और मिड पीस के डिफेक्ट हमारे को देखने हैं, टेल का डिफेक्ट देखना है, बहुत छोटी बहुत बड़ी हेयर पिन जैसी है, कॉइल्ड है, ये सब देखने हैं। मल्टीपल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एक ड्यूटिनेशन हो सकता है, पस सेल्स मौजूद हो सकती हैं, डेब्रिस कोई कचरा मौजूद हो सकता है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद आप रिजल्ट को नोट डाउन करिए, रिकॉर्ड करिए और पेशेंट को वो चीज़ बताइए। अब जो मैंने बताया था भाई क्राइटेरिया, क्रूगर क्राइटेरिया वगैरह अपन काम में ले रहे होते हैं उसको देखने के लिए, तो ये आप पढ़ लीजिए जो मैं आपको बोल के बता चुकी हूँ, कितना लंबा कितना बड़ा क्या डिफेक्ट है कैसा है वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। ये स्टेनिंग बताई गई है कि हम कैसे स्टेनिंग करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम में नहीं भी लिखते हैं तो इतना लिखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपके सामने रखा है। इसे ये एबनॉर्मल स्पम्स की स्टेनिंग के साथ में एबनॉर्मलिटी दिखाई गई है कि भाई कुछ डार्क स्टेन ले रहे हैं, कुछ लाइट स्टेन ले रहे हैं वगैरह वगैरह। ये ट्रिपल हेड के साथ स्पम दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्लाइड में आपको, एक्रोसोमल रिएक्टेड स्पम दिखाई दे रहा है सेकेंड स्लाइड में, थर्ड में स्पम में कोई एक्रोसोम है ही नहीं, फोर्थ में स्पम टेपरिंग है वगैरह। ये मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही स्लाइड्स बताई गई क्रूगर ने जो बताई थी। ये वाइटलिटी एसेस आप कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है, पर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप इसको नहीं भी देखते हैं तो अपने एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता, अपने सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा जाएगा जो अपन मैं आपको बता चुकी हूँ। वाइटलिटी को कैसे एसेस किया गया वो चीज़ दिखाई गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, स्पर्म फंक्शनल टेस्ट हमारे को करना होता है, स्पेशल एंड्रोलॉजी लेबोरेटरी में किया जाता है, कॉमनली हर कहीं नहीं होता ये डिफेक्ट। स्पर्म फंक्शन जो होता है वो भी फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने नहीं देता है, स्पर्म को जोना पैलियोसिडा एग से एग के जोना पैलियोसिडा से बाइंड नहीं होने देता, एग में पेंट्रेशन होने से रोक देता है, प्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो देखिए बहुत सारे वेरियस टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं स्पर्म के फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए, जैसे स्पर्म पेनिट्रेशन ऐसे SPA, सेकंड हेमिजोना ऐसे, थर्ड सर्वाइकल म्यूकस पेनिट्रेशन ऐसे, फोर्थ हाइपो ऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट फॉर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी और इम्यूनोबीड टेस्ट। ये पांच टेस्ट हैं, आप इसके नाम नोट कर लीजिए, इस स्लाइड में नहीं दिए हुए हैं पर मैं आपको बोल करके बता रही हूँ। पांच नाम स्पम पेंट्रेशन ऐसे, हेमिजोना ऐसे, सर्वाइकल म्यूकस पेंट्रेशन ऐसे, हाइपोऑस्मेटिक स्वॉलिंग टेस्ट और लास्ट टेस्ट फॉर एंटी स्पम एंटीबॉडी और इम्यूनोबीड टेस्ट। अब इसके अंदर हमारे को सबकी डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो टेस्ट पढ़ लीजिए, पहले दो स्पर्म पेनिट्रेशन और हेमिजोना। देखो स्पर्म पेनिट्रेशन में क्या होता है, इसके अंदर हम स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। इस टेस्ट में जोना डेनिडेड गोल्डन हैमस्टर एग आपको लेना है, ह्यूमन स्पर्म से एक्सपोज करवाना है। अगर स्पर्म सक्सेसफुली एग में पेनिट्रेट कर जाता है तो इसका मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन एग में भी पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है एक्सपोज होने पर। तो ये स्पर्म पेनिट्रेशन ऐसे है। दूसरा हेमिजोना ऐसे, इस टेस्ट में अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग आपको लेना है डोनर से और उसको स्पर्म से एक्सपोज करना है, उसके बाद आप एग को बाइसेक्ट करके देखेंगे, स्पर्म के नंबर को काउंट करेंगे जो टाइटली बाउंड हो गए हैं आउटर सरफेस पर, उन्हें काउंट करिए। ये इसका रिजल्ट जो है टेस्ट का रिजल्ट वो काफ़ी अच्छा रिलेशन देता है। अगर आपको IVF टेक्नोलॉजी करवानी है तो हेमिजोना ऐसे करवाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पहले अपन कि वो IVF कितनी सक्सेसफुल होगी उसको चेक करने के लिए हम हेमिजोना ऐसे करवाते हैं। इसके बाद आपका ये सीमेन एनालिसिस नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, आप मुझे क्वेश्चंस, अपने डाउट्स अपनी क्वारीज जो है वो लिख करके मेल कर दीजिए, मुझ तक क्वेश्चन पहुँच जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं आपके डाउट्स दूर कर दूंगी। थैंक यू क्लास।